ये देखो हरी मिर्च और ये दौली। वाव, ये नमक इतना टेस्टी हो रहा है ना, टेस्ट तो। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी लगभग टाइम हो गया है 11:30-12 और अब जाके मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है। और अभी ना मस्त वाली हवा चल रही है पीछे और चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। एक बात है भाई, आजकल ना सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे मौसम कितना भी सही हो जाए, शाम के टाइम पे बारिश लगती ही लगती है, हमेशा ऐसा हो गया। बाकी अभी भले हवा चल रही है, मौसम देखो आप कितना सही है, मतलब पूरी धूप लगी हुई है, लेकिन रात को ना बारिश होगी होगी। यही नीचे साइड हम लोगों ने जो खीरा लगाए थे ना, पहली बारी अपने घर में जो खीरा लगाए थे, वो उनकी बेल ना इतनी बड़ी हो गई ना, ये देखो आप। और ये जो पेड़ है ये है सेब का पेड़, ये देखो, तो इस पे पूरे ऊपर तक इसकी बेल आ गई है, यहाँ देखो आप। और अब तो भाई यहाँ ऊपर से ना कुछ लकड़ियाँ लगानी पड़ेगी, नहीं तो खराब हो जाएगी। बाकी कुछ टाइम बाद तो इस पे खीरा भी लगना स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ इस वाले खेत में यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मिर्च देखो आप, सबकी सब जितने भी मिर्च है ये सब पक गई है भाई अब, और बहुत ही जल्दी पकी है, ये देख सकते हो। और कुछ कुछ हरी हरी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा मिर्च है ना, ये जो इस एरिया पर जितने भी आपको ये हरी मिर्च दिखाई दे रही हैं, वो इतनी ज़्यादा मिर्च हैं कि क्या ही बताएं। बाकी कुछ कुछ मिर्च ऐसी होती हैं यहाँ, ऐसी काली टाइप की, काली भी नहीं है, ये है ब्लू ब्लू टाइप की, ये देखो। और कुछ कुछ तो ये इतनी बड़ी बड़ी है लाल। यहीं ऊपर साइड देखोगे आप तो यहाँ पर हैं भैया ये बैंगन के पेड़, अब जाके यहाँ बैंगन लगना स्टार्ट हुए हैं, कहीं कहीं तो काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अब इस एरिया पे ना खाली बैंगन ही बैंगन दिखेंगे आपको नीचे साइड लगभग, और ऊपर भी पूरी मिर्ची मिर्च है। और एक ककड़ी है इस पे लगी हुई सबसे ऊपर, ये देखो आप यहाँ पर जो ये वाली बेल है ना, इस पे से हमने इतनी सारी ककड़ियाँ खा ली है ना, तो आप लोगों को दिखाई भी नहीं, तो अगर एक दिन अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं वो ककड़ी भी दिखाऊंगा आपको, कि पहाड़ों में भाई ककड़ी और नमक का अलग ही मजा है, अलग ही स्वाद है। बाकी एक खीरे की बेल हमने अलग लगाई थी, एक बेल ये देखो यहाँ पर है, और इस पे फूल भी लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो इस पे जल्दी जल्दी एक लकड़ी लगानी पड़ेगी या एक स्वटका लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे नीचे होकर के ना ख़राब हो जाती है, इसलिए इस पे ये लकड़ी लगाना जरूरी हो जाता है, तब वो लकड़ी के सारे ठीक ऊपर चले जाएगा, जैसे कि ये वाली बेल जा रखी है यहाँ पर। और साथ ही साथ आप इस वाले खेत में देखो, ये देख सकते हो भाई यहाँ पर, ये देखो आप पूरी ये दाल के कितने सारे फूल लगे हुए हैं, मतलब इस पे भर भर के दाल होने वाली है इस बारी, फूल ही फूल देखो आप, पूरे फूल लगे हुए हैं यहाँ पर, हो गया यहाँ आगे साइड देखो, पूरे फूल ही फूल लगे हुए हैं, नीचे साइड देख सकते हो। बाकी यहाँ पर है पहाड़ी मुंगरी, ये साइड देखो, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, जितने भी है ना ये पूरी दाल लगाई हुई है। और आजकल आप यहाँ चौक में देखोगे तो आजकल आपको ना ज़्यादातर धान ही मिलेगा आपको सुखाने के लिए, पहाड़ों में आजकल धान की बहुत कटाई हो रही है, धान हो गया मंडवे की कटाई हो रही है, तो यहाँ पे देखो ये धान सुखाने के लिए रखा है। तो खेतों में भी भाई ऐसी ढेर लगाई रहती है, और तब जाके खेतों में ही धान की मंडाई होती है, और उसको तब घर लाया जाता है। और मंडवे के साथ भी ऐसा होता है, मंडवा भी खेत से निकालना पड़ता है और एक बारी घर में काफ़ी देर तक रखना पड़ता है, और उसको साथ में भिगाना ही पड़ता है मंडवे को तो ज़्यादा ही, और उसके बाद उसकी मंडाई होती है, तो ऐसा चलता रहता है। बाकी खाना खुना बन के रेडी हो गया है, और थोड़ा सा छोटी बहन का वेट करते हैं, क्या पता तब तक वो स्कूल से भी आ जाए, तो फिर साथ में खाना खाएंगे, अगर वो देर में आएगी तो हम जल्दी भी खा लेंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, और छोटी बहन लेके आई है ये ककड़ी, देखो आप हरी हरी ककड़ी, और अभी निकाली है ये पेड़ से, तो बाकी इसको खाते हैं भाई। आजकल ना ककड़ी का टाइम है, तो ये चलता रहता है रेगुलर, आजकल ककड़ी खा रहे हैं। बाकी एक बारी नमक नमक पीसते हैं और इसको खाते हैं अच्छे ढंग से, क्यों, हरी मिर्च का नमक, चलो। तो ये देखो भाई हरी हरी मिर्च, बाकी इतनी तीखी मिर्च है ना ये, तो इसका नमक पीसते हैं और ककड़ी और हरी मिर्च के मजे लेते हैं, चलो। हमेशा ना पहाड़ी ककड़ी के मजे भाई हरे नमक के साथ बहुत ही अच्छी होती है पहाड़ी ककड़ी। और पहाड़ी ककड़ी तो यहाँ पर देख सकते हो ये है, बाकी इसमें अभी लहसुन हो गया, हरी मिर्च हो गया, बाकी ये अपने घर के मसाले हैं सब के सब, तो ये हो गया, तो इनका नमक पीसा जाएगा और उसके बाद ये इस ककड़ी को खाने का अलग ही मजा आता है भाई, स्वाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बाकी एक बारी इस नमक को पीसते हैं और वो दिखाते भी आपको कि पहाड़ों में कैसे सिलौटे में नमक पीसा जाता है। ये देखो यहाँ पे ये है भाई अपनी पहाड़ी ककड़ी, बाकी यहाँ पर नमक पीसने की पूरी तैयारी चल रही है। ये देखो यहाँ पे ये लहसुन है, 3 लहसुन हो गया,
5 हरी मिर्च हो गया, बाकी यहाँ पर अपने सारे मसाले हो गया, और ये होता है सिलवट्टा, ये देखो आप ऐसा कुछ, बाकी नमक पीसते हैं, और ये देखो ये थोड़ा बहुत नमक हो गया, थोड़ा तो अभी जैसे रूबी इसको पीस रहे हैं ना, तो इतनी अच्छी वाली स्मेल आ रही है इस पे, मतलब वाह मजा आ गया। और अभी ये नमक देखो कितना बारीक पिस गया है। तो पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से नमक पीसा जाता है, यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इसको अच्छी ढंग से बारीक करना है, और फिर इसकी ना दौली करनी है। दौली मतलब होता है कि इसको लंबाई में काटना पड़ता है, फिर उसके बाद इस पे नमक लगाया जाता है बाद में, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे अब थाली भी रेडी होगी, बाकी एक कॉर्नर में हम नमक निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से नमक निकालना, ये देखा। तो ये है भाई अपना नमक। ककड़ी को ना कुछ इस तरीके से काटा जाता है, ये देखो। नमक ना कुछ इस तरीके से लगाया जाता है इस पे, देखो आप। तो ऐसे लगाना है पूरी ककड़ी में नमक, वाओ। और इतना टेस्टी नमक है ना ये, क्या ही बताएं। तो इसे कहते हैं पहाड़ी दौली, मतलब ककड़ी की दौली, ये देखो आप। तो अभी देखो भाई, ये भी ना गाय के साथ जा रही है, और पूरा इसको ले जा रही है यहाँ पे। और बाकी ये देखो हरी मिर्च और ये दौली, वाओ। ये नमक इतना टेस्टी हो रहा है, इतना टेस्टी, थोड़ा तीखा है लेकिन इतना टेस्टी हो रहा है। और पहाड़ी ककड़ी के साथ तो भाई अलग ही मजा है इसके। तो नमक तो भाई इतना तीखा है ना इस पे, इतना तीखा है, मतलब टेस्टी बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी धीरे धीरे करके इसको खाते हैं, अभी इसको अंदर पकते हैं। और एक दो दौली तो मैंने खाई दी है लगभग, बाकी इसको अंदर पे रखा जाए। चलो भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देते हैं इसको और चलते हैं बाहर। और आज हमारा यहाँ से कहीं जाने का भी प्लान बन रहा है, तो वीडियो के साथ बने रहना। तो अभी मैं यहाँ से रेडी हो गया हूँ, मैंने यहाँ पर जा रहा है अखिलेश भाई के घर में, यहाँ पर पे, और फिर वहाँ से सुरेश भाई की कार में हम लोग जहाँ हमने जाना है वहाँ के लिए मतलब निकल जाएंगे, बाकी चलते हैं। तो अभी मैं हो गया और अक्की भाई पहुँच गए हैं यहाँ रोड में, और हमारे साथ के दो तीन लड़के और आने वाले हैं, वो गाड़ी से आने वाले हैं। बाकी जो रोड भी है ना वो भी आज ही खुलने वाली है, खुल जाएगी। भाई आ गए, बड़ी जल्दी आ गए, बड़ी जल्दी आ गए, स्मार्ट लग रहा भाई यार, सच में बड़ी जल्दी आ गए, बढ़िया। बाकी सब लोग आ गए यहाँ पे, देख सकते हो पीछे, बहुत जल्दी आए ना तुम। हेलो गाइस, अरे यार वो तो ये सामान सामान रखना डिक्की में, फिर तैयारी करनी। चलो भाई, तो यही वो स्पॉट है। तो अभी गुप्तकाशी मार्केट में आ गए हैं, बाकी यहाँ पर हम रुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए, गोलगप्पे टिक्की खाने के लिए, तो उसके मजे लेते हैं। तो फाइनली भाई अभी त्रियोगी नारायण में पहुंच गए हैं, और बाकी प्रोग्राम भी ना स्टार्ट हो गए हैं अब। और आपको बताया भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो भैया हम त्रियोगी नारायण आए थे और अनु भाई ने बुलाया था, तो भाई हमने सोचा चलते हैं, और साथ में आज तो अनु भाई का प्रोग्राम है, तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बाकी ठंडा हो रहा है भैया, तो फाइनली भाई मेला भी ओवर हो गया, बाकी रात का खाना भी ओवर हो गया। हाँ। उसे सर कैसा लगा? बहुत मजा आया। अब मेन आदमी तो बुलाओ, अनु भाई आओ यार। अनु मेन तो हम पता है अनु भाई की परफॉर्मेंस के लिए, मतलब हमारा ये था कि अनु भाई की परफॉर्मेंस हमने देखी ही देखी है। हाँ। और हमने देखी भी, बहुत मजा आया, सही टाइम पे पहुंचे, क्या मजा आया है कि नहीं, मजा आ गई। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।